गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक ही होगा। तो आज आपका बढ़िया, और हम जा रहे हैं नदी की ओर और आज फिशिंग करेंगे ना। तो उसके बाद में ये जगह देखो, अभी मतलब बना रहे रोड ना, बहुत ही खराब। उस दिन आपका भैया हम दोनों गया था यही रोड से नाहरलगुन गया है, तो बहुत धूली, पूरा जितना मेरा ये बाल में पूरा धूली बढ़ती, शक्ल सूरत पूरा देखने का लायक नहीं था। ये धूली का कारण, ये पापू नाला में है, मतलब और आगे जाएगा तो और बहुत ही धूली है, रास्ता बना रहे तो ये कारण से पूरा धूली बढ़ती। तो आज पता नहीं, हम पहले वही जगह में गया था एक बार, आपका भैया तो नहीं गया है, तो उसमें तो हम जब लास्ट टाइम जाते समय में हमको मछली नहीं मिला था, हम फिशिंग करने गया था, उसमें मैं ब्लॉग नहीं बनाया ना हम उसको, तो उसमें मतलब बहुत तकलीफ था, मतलब एक पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ेगा वो भी पैदल, और उस समय में हम इतना थक गया था, सच में हम इतना थक गया था, मेरा पाँव पूरा दर्द हो गया था। अभी पता नहीं अभी हम चल पाएगा कि नहीं, सुबह से वही सोच के आया, वहां जाएगा तो हम बहुत ये हो जाएगा, फिर वापस थक जाएगा, सकेगा कि नहीं सकेगा ऐसे सोच रहा था। फिर भी चल, आज चल के देखेगा, जाके देखना पड़ेगा, लंच भी वहाँ ही कर लेगा। आज दिन का लंच भी वहाँ करेगा और अपना ट्रेडिशनल स्टाइल में आज लंच मतलब कुकिंग करेगा। तो होगा दोस्तों, अभी वहाँ जाएगा और उसके बाद में वहाँ कंटिन्यू करेगा। और मेरा बाइक को आप लोग तो मालूम ही होगा जो मेरा ब्लॉग देखता है ना, मेरा बाइक को मैंने फोन कर दिया और भाई हम तीनों जाएगा आज फिर से। दोस्तों अभी हम चिकन ले जाएगा और वहाँ में मछली मारेगा, मतलब मछली मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन चिकन ले जाएगा यहाँ से। कितना कीजिए? हाँ इतना नहीं चाहिए, चुता वाला होने से तीख है। एक केजी आधा को क्या करेगा, दो आदमी। ओ भाग गया देखो, ओ असम लोकल है ना, यहाँ का लोकल नहीं है। तो यहाँ में हम पता नहीं, एक एक केजी आधा ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम तीन आदमी कितना में कहेगा ना। तो यहाँ पे लेने आए हैं तो पता नहीं इतना क्या करेगा, लेगा कि नहीं लेगा, कितना हुआ है? 270। तो होगा ये दे दो, पूरा चिल के दे दो। हाँ चिलेगा, क्या करेगा अभी, चमड़ा चिलेगा ना, नून चिलेगा, चमड़ा चिल दो, चमड़ा चिल दो, उसके बाद में मछली नहीं मिलने से मतलब रोस्टिंग करेगा उसके चिकन को, इसलिए ले जा रहे हैं। इतना ज़्यादा पता नहीं, हम ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा इस लग के, हो जाएगा। अभी यहाँ से जाके बाइक को पिकअप करना है, भाई यहाँ से बाइक को ले जाएगा, तो अभी पहले सबसे पहले मीट को ले लेगा, उसके बाद में बाइक को लेके सीधा हम जंगल की ओर चला जाएगा। और ये है जो अभी ये लोकेशन आया है ना, आप लोग को थोड़ा सा दिखाएगा, ये है यूपिया, इस साइड में देखो यूपिया है, यूपिया ना, यहाँ से डीसी ऑफिस जाता है और डेमो उस साइड भी निकलते हैं देखो। और वेलकम टू न्यूयॉर्क ना, ये नीचे पर जो है, नीचे जो देख रहे हैं ना साइन बोर्ड में, वो न्यूयॉर्क विलेज है। तो इस साइड होगा तो ये यूपिया में आ जाएगा। तो होगा दोस्तों, पहले चिकन ले लेगा, उसके बाद में आप लोग कंटिन्यू ब्लॉक करेगा, मछली मारेगा और आज हाथ से पकड़ेगा मछली, आप लोग को दिखेगा कैसे आपका दीदी मछली मारते हैं। और खाने पीने के लिए हम सामान लेके जा रहे हैं, पीछे में है, और हम क्योंकि पहाड़ मतलब चढ़ेगा तो हम नहीं सकेगा उतने के लिए, तो ये भाई है और ये मेरा आपका भैया है, ये दोनों सामान उठाएगा, हम तो ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है। तो देखो इतना खूबसूरत पहाड़ों से होके हम लोग जा रहे हैं, इस साइड में नदी है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। दोस्तों देखिए, अभी ये रोड में हम लोग तीनों पैदल आता था, रोड बहुत ही खराब था, अभी देखो बहुत खुश का बात है, यहाँ पूरा रोड मतलब वहाँ तक शायद गाड़ी पहुँचने के लिए बना दिया होगा, मतलब ऑलरेडी था पहले से ना, लेकिन
रोड इतना थिक नहीं था, अभी हम बहुत खुशी है, मतलब आपका दीदी पैदल जाने नहीं मिला है नहीं होने से तकलीफ होना था यहाँ में। देखो रोड ऐसे जैसे तैसे, मतलब गाड़ी भी पहुँचने के लिए बना दिया है सर मेंटेनेंस करके। पहले तो बाइक भी नहीं जाता था हम लोग, ये भैया हम पूरा पैदल होके जाता था, मतलब पैदल जाने नहीं मिला है, वही सबसे बड़ा बात है मेरा लिए, देखने से बहुत ही तकलीफ होना था। तो दोस्तों यहाँ लोकेशन में मतलब अभी तक नहीं पहुँचा है, तो यहाँ से फिर पहाड़ चढ़ाई उतना पड़ेगा। तो यहाँ भी गाड़ी आपका भैया का एकदम क्या बोलेगा पुराना वाला गाड़ी यहाँ तक पूरा पहुँचा है। मेरा जो मतलब मिट्टी जो उस साइड में है, ये उस साइड में था वो नीचे में, तो यहाँ तक मतलब हम अलग से एक खुशी हो रहा है कि मतलब यहाँ तक गाड़ी पहुँचेगा बोल के मेरा थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन इतना खुशी लगा आज सच में, पैदल जाने नहीं मिले आपका मोटी वाला दीदी को पैदल जाने नहीं मिले। तो अभी यहाँ से ये दोनों पैकिंग सेकिंग कर रहे हैं, अभी यहाँ से शायद ये वाला देख रहे ना ऐसे करके पहाड़ उतरेगा होगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा होगा। तो यहाँ पे दोनों को ये करके हम तो मतलब चढ़ाई में हम नहीं सकते हैं सामान बुकने के लिए, मतलब बहुत थक जाते हैं। तो ये दोनों पूरा रेडी हो गया दोस्तों। देखिए मेरा यहाँ से आपको थोड़ा पहले दिखाया था, मेरा इस साइड में मिट्टी है बोल के ना थोड़ा सा, तो उस साइड में आप दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, जहाँ पे थोड़ा मतलब सूखा 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 लग रहा है ना वो मेरा मिट्टी है, उस दिन वहाँ पे अनुसार सफाई किया था ना। तो ये देखो पूरा घने जंगल से होके जा रहा है, तो आपका भैया और मेरा भाई दोनों अंदर चला गया, तो हमको देख देख के जाना पड़ेगा, बहुत थक गया। देखो हम आराम से जाएगा सोचा था, लेकिन देखो हमको बैग ये यहाँ पे सामान बुक नहीं दिया, ये मोती दीदी कैसे जाएगा पता नहीं, लेकिन जा ही रहे। तो ये दोनों कहाँ चला गया, हम तो पूरा होगा दोस्तों यहाँ से धीरे धीरे होके जाएगा, नहीं उनसे ब्लॉक का चक्कर में वो दोनों हमको चोर के चला जाएगा ऐसे लग रहा है। तो होगा दोस्तों बहुत थक गया दोनों, तो ऊपर चला गया अभी सच में गाइस बहुत थक गया। और ये देखो आपको कुछ चीज़ दिखाएगा, ये देखो जंगल का फ्लावर कितना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है। जंगल में जाने से ऐसे मतलब जो प्योर ऑर्गेनिक हर चीज़ जो दिखाई देते हैं, तो काफ़ी दिल दिमाग को बहुत अच्छा लगता है, बात करने नहीं सक रहे ज़्यादा, थक गया ये दोनों। ऊपर में आगे पे रुका हुआ है यहाँ पे, बहुत थक गया रे। देखो आपका भैया वो भी शेष हो गया जैसे लग रहा है होगा दोस्तों तो वहाँ पहुँच के जो हम लोग का जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के ब्लॉग का कंटिन्यू करेगा, ठीक है। एट लास्ट पहुँच गया, इतना चढ़ाई से आप देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ बहुत ही भयानक होता है। और जैसे तैसे करके आपका दीदी उठ गया, यहाँ पे देखो आपका भैया तर्क उतने का साथ साथ कपड़ा भी पूरा निकाल के फेंक दिया कैसे लगा है उधर दिखाओ कहाँ से आया है। हाँ बहुत तकलीफ, जंगल है ना दिखाई नहीं दे रहा, पूरा बासी बांस का पूरा पैर है, यहाँ से और ऊंचा है लेकिन उधर नहीं जाएगा। अभी अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, नीचे में है नाला, तो नाला में आज मछली मारेगा, तो भाई वहाँ गया है पत्ता कलेक्ट करने, ये पत्ता भी लेके आ गया। वो क्या पत्ता, तो ठीक है वीडियो को अभी कंटिन्यू करेगा, अभी वहाँ जाके नदी में मतलब नाला में जाके थोड़ा रेस करने के बाद में वीडियो कंटिन्यू करेगा। देखो यहाँ पे क्या मिला है, देखिए ये ऑरेंज मिला है अच्छे से ना, ये पुराना हम लोग का भैया लोग कितना 5-6-7 साल पहले लगाया था, ये अभी ऑरेंज ऊपर में भी है लेकिन नहीं पका है, मीठा है कि नहीं, यहाँ का ऑरेंज वैसे भी अच्छा नहीं, गिरकित था ये, इतना मीठा नहीं होगा होगा, लेकिन खा के देखो तो ठीक है कि नहीं, ठीक होगा होगा।
ठीक है ठीक है, टेस्टलेस है क्योंकि ये टेस्ट नहीं, इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है और क्या खट्टा भी नहीं है और मीठा भी नहीं है। हाँ तो गिर के था ना, तो ये यहाँ पे कहाँ पे था, एक दिखाई दिया था, गायब हो गया। क्या दिखा देता है उसको दिखने में, देखने से पता चलता है कलर भी ऐसे है। हाँ, कलर भी इसमें, कलर भी नहीं इतना खास वो नहीं है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला दिखाई दे रहा होगा, ये जो मेरा चाचा है, मेरा चाचा ये यहाँ पे जब खेती बाड़ी हम लोग का यहाँ का, तो झूम खेती बहुत चलता है ना नॉर्थ में, तो जूम कल्टीवेट करते समय में यहाँ में घर बना के ऐसे हम लोग छोटा सा घर बनाते हैं जहाँ पे हम लोग रेस करते हैं ना, आके वहाँ से वो दूर से आके हम लोग यहाँ पे दो तीन दिन रेस करके हम लोग पूरा जंगल सब सफाई करते हैं, तो इसलिए ये घर को बनाते हैं। अभी देखो 7-8 साल हो गया, अभी भी जैसे ये ढाला है ना ऐसे ही है, लेकिन पूरा सर गया। तो इस साइड में ये पपीता भी बहुत है, लेकिन यहाँ तक तो आके लेना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि चराई बहुत ही ये है, हार्ड हार्ड है ना। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नहीं, देखो पूरा पपाया बहुत ज़्यादा है, नहीं दिखाई नहीं दे रहे, धूप जो अपोजिट साइड पे है तो इसलिए पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो आगे देखते हैं कहाँ जाएगा, हम पे रास्ता बता गया होगा दोस्तों, और वहाँ पे है नीचे में, और यहाँ में झींगा है, बोला झींगा झींगा मारा झींगा, ट्राई करते हैं पकड़ने के लिए, हमको तो नहीं आता है। केकड़ा भी है तो बंदर, ये केकड़ा तो अभी ये पकड़ेगा बोल रहा है। माय फेवरेट क्रैब, वो देखो उसमें झींगा भी है, कहाँ पे है देखो, यहाँ यहाँ भी झींगा भी है, कहाँ है कसुंगो पर जाम और भी चला ही है, इस बात आते ये भाग गया ना। ये देखो क्रैब फर्स्ट अटेम, वाओ तब तो आज मिलेगा होगा ये, इसको ना आया ये काट रहे, इसको हाथ को ऐसे करके तोड़ देते हैं ऐसे करके, इसका भी पकड़ने के लिए टेक्निक है, लेकिन जहाँ तक पकड़ेगा ना आपका हाथ चला जाएगा, तो इसलिए इसका पकड़ने के लिए भी टेक्निक है, अभी ऐसे करके तोड़ देगा क्योंकि ये मर गया अभी। ये दोस्तों देखो मछली पकड़ने के लिए ये एक बना के रखा है, तो आगे से हम लोग मछली को भगाएगा और यहाँ पर जमा होने लगेगा। तो ये देखो वाओ, अभी हम लोग यहाँ में नाला में पहुँच गया, तो अभी हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं मछली मारने के लिए, प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ट्राई करने में तो क्या जाता है ना, क्योंकि ट्राई इतना दूर से आया तो ट्राई तो करना पड़ेगा, उस पेप्सी तो हो तो होगा दोस्तों। पहले सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो यहाँ थोड़ा मतलब खा लेगा लाइट वाला खा लेगा, उसके बाद में मछली मारने के बाद में पकड़ने के बाद में सब आज दिन का लंच बनेगा। अभी हम लोग जितना मछली मारा है उसको दिखा लेगा, पहले मारा है नहीं पकड़े हैं, ये देखिए बहुत कम, थोड़ा सा केकड़ा, थोड़ा सा झींगा और ये मछली थोड़ा मोड़ा, क्योंकि हम लोग हाथ से पकड़ा है ना, कुछ भी वो नहीं किया, ना फिशिंग नेट यूज किया, ना कुछ मेडिसिन यूज किया, ना क्या बोलते हैं ना जो भी। तो अभी हम लोग अभी दिन का कितना 1:15 हो गया, देखो आग भी जला रहे हैं, आग भी जला रहे हैं, अभी ये करेगा रोस्टिंग और कुकिंग करेगा दिन का लंच। तो ये आग जल गया, भाई बम्बू लेने गया, और वो जो बम्बू लेने गया भाई जो, तो पहले क्या हुआ था कि ये आग जलाने में बहुत समय चला गया था, इसलिए हम लोग का लंच जो 3 बजे हो गया था, पहले का ब्लॉग में आप लोग देखा होगा वही है, तो इसलिए आगे आग को तो आज हम लोग भी इतना अच्छा से जलाए, और लकड़ी भी हम लोग को यहाँ पे अवेलेबल लकड़ी मिला है बम्बू लकड़ी, तो अभी बाइक है वेट कर रहा है, वो आने से फटाफट स्टार्ट करेगा लंच बनाने के लिए। तो हमने चिकन भी लेके आया था, तो चिकन को करेगा, और ये पट्टा भी काट के रखा हुआ है पट्टा,
तो वही चिकन को ये बनाएगा, सलाद बनाएगा, उसके बाद में राइस बेम्बू में राइस बनाएगा, उसके बाद फिर वो करेगा लंच करेगा, उसके बाद धीरे धीरे निकल जाएगा। और वहाँ में जो जहाँ मैं हम लोग उस दिन काम कर रहा था, साफ़ सफाई कर रहा था, जो चौथा सा ज़मीन था हम लोग का, तो उसमें हम लोग वो रखा था, बर्तन रखा था, कुछ कढ़ाई रखा था, और ये उसको हम लोग ये जंगल के अंदर में, ये घास फूस के अंदर में हम लोग छुपा के रखा हुआ था, ताकि नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको हम लोग ये करेगा, हाँ मैंने उसमें खाना बनाएगा। लेकिन अभी हम लोग उसको लेके जाएगा, क्योंकि ये रास्ता जो ठीक हो गया, आप लोग देखा होगा अभी का आगे वीडियो में है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद में जो रास्ता, जो पहले तो गाड़ी और स्कूटी नहीं जा रहा था, अभी तो इसको गाड़ी यहाँ तक आ गया, तो अभी जितना भी वो लोग हैं जो पिकनिक करने वाला है, वो लोग शायद इस साइड यहाँ तक आ जाएगा, और शायद कुछ लोग ऊपर भी उतरेगा होगा, मतलब ऐसे नज़ारा देखने के लिए कोई उतरेगा जहाँ तक जाता है ना, तो बर्तन जो हम लोग का है वो शायद गायब हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको आज वापस लेके चला जाएगा। भाई जो पत्ता और ये लेके बेम्बू लेके आ गया, तो आग भी जला दे, अभी हम लोग धीरे लंच कर लेगा, बना लेगा, और आप लोग ये ब्लॉग तो कंटिन्यू देखते रहिए। तो अभी हमें साफ दिखाई मिला ग्रीन वाला, वो शायद थोड़ा उड़ता भी लगता है, तो वो देखने जा रहा है। अभी वापस जा रहे हैं, ये लोकल चावल है, लोकल चावल से भी वर्ष निकलने से भी हो जाएगा, ये जा साफ ही होता है, में राइस डाल दिया, चाकू नहीं है इसलिए दांत से इस्तेमाल करना पड़ता है, चाकू लाने भूल गया, यहाँ पे चावल डाल दो। तो वैसे भी आप लोग देखते ही होगा हम लोग ब्लॉग में, जो नहीं देखा है मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो कैसे बम्बू में राइस पकाते हैं ना, हम पूरा डाला है, आपको पूरा शुरू से लेके एंडिंग तक उसमें प्रोसेस पूरा दिखाता है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, उसका हम दिखा लेगा, आप लोग पहले का ब्लॉग में देख सकते हैं जो नया है ना, और आ गया तो अभी चिकन भी वो हो गया, पकड़ो उसको, क्या देगा ये वाला को, हाँ भी बहुत बड़ा हो गया, तो धीरे धीरे कर लेगा उसको, पहले सबसे पहले खाना को निकाल देगा, मतलब उसके बाद में ये चिकन को अच्छा से, अभी धीरे धीरे हल्का फुल्का रोस्ट तो हो रहा है, लेकिन एक साथ दो काम करने से अच्छे से नहीं होते ना, इसलिए पहले राइस को कुक होने देगा अच्छे से, उसके बाद में चिकन को रोस्ट। Two thousand years later. अभी दिन का लंच स्टार्ट हो गया, और जो हम लोग का चावल है ना वो बहुत ख़राब हो चुका था, अच्छा से नहीं हुआ, तो इसलिए हम मतलब यहाँ में थोड़ा सा खाना को हम लोग ये तीन आदमी खा रहे हैं कैसे लगा खाना है? बहुत बढ़िया फाइव स्टार होटल का क्या करेगा ना दोस्तों, हर दिन तो टिक नहीं होगा, तो जंगल का जंगल में हर दिन थोड़ी ना अच्छा वाला खाना बनाते रहेगा ना, नहीं होता है कभी कभी, कोई आग साग टिक तक नहीं होने से नहीं होते,
तो यहाँ में टेस्टर से खा रहा है, घर से ऑरेंज लेके आया था ऑरेंज का साथ में। दोस्तों देखो हमको पहाड़ देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे ही करके गया है ये पहाड़ से होके, तो वहाँ से हम लोग अभी नाम गया। तो अभी ये मेरा जो छोटा सा जमीन है वहाँ पे काम चल रहा था, आप लोग मालूम है मेरा ब्लॉग देखने वाला मालूम है, तो कहता बर्तन ना, तो बर्तन को अभी लेने जा रहा है, तो शायद मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन देख लेगा, अगर होता है बोले से हम वापस ले जाएगा ना घर, और कल परसों जरूर होगा तो फिर हम लेके आएगा यहाँ में। तो पानी भी देखिए आप, नदी का पानी बहुत कम छोटा हो गया ना, विंटर आने से ऐसे ठंडा हो जाता है, मतलब कमती हो जाता है। वही तो यहाँ इतना भरा था पहले, अभी देखो इतना छोटा हो गया। शुरू का ब्लॉग को देखो, जो मेरा ब्लॉग को नहीं देखा है आप लोग जरूर जाके देखना, ये नदी भी काफ़ी बहुत ही भरा था, अभी तो एकदम नदी है ही नहीं जैसे हो गया, जो थोड़ा सा है देखो मछली बोट होगा। नदी क्रॉस करके आ गया, तो देख लेगा मिलेगा कि नहीं। तो अभी मैथुन को ये खिलाएगा नमक, नमक ये लोग बहुत नमक पसंद है, नमक बहुत खाता है। हेलो 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 हेलो, ये डर रहे ना कि दो दो दो, हेलो 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 हेलो, थोड़ा सामने जाओ ना धीरे धीरे, हेलो 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 हेलो, नमक है ना ये चेक करा, नमक है ना क्या, हेलो हेलो, ये हमारा स्टेट का एनिमल है, अभी खिला दो पूरा को खिला दो। इसका ना जीवा जो इतना तेज है, इसे विंटर में नेरो मजा तो इतना मजा से खा रहा है। ये देखिए उस दिन का कथा वाला पूरा लाल लाल हो गया, इसको भी ले लो, देखिए पूरा मैथुन भर्ती हो गया नमक खाने के लिए। दोस्तों अभी लकीली बर्तन भी मिल गया, हम लोग का बर्तन लकीली गायब नहीं हुआ, हम सोचे पूरा मतलब आदमी उतार के ले गया होगा, क्योंकि इतना दिन हो गया ना यहाँ नहीं आने वाला, तो वही सोचा था, लेकिन अच्छा हुआ है मतलब कुछ भी सामान गायब नहीं हुआ है, जैसे था ऐसे लेके आया। तो कल परसों भी हम बाद में फिर यहाँ में आना जाना करना पड़ेगा अपना मिट्टी में कुछ कुछ काम करके ना, तो होगा। दोस्तों आज का ब्लॉग को बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा नहीं लेगा, तो आज का ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेगा, और मिलेगा कल परसों और एक नया ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट, अच्छा से रहना।